गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम एक्सरसाइज 4.3 दसवीं के मैथ में 4.3 को करेंगे। अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण इस चैप्टर में गुणनखंड विधि द्वारा समीकरणों को हल करना सीख लिया था। अब दूसरा तरीका पढ़ते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरणों के मूल रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमने निकाल लिए। देखिए कैसे करते हैं, जैसा कि इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है पूर्ण वर्ग विधि, तो जो इक्वेशन हमें दी जाएगी हमने उसकी एक साइड में एलएचएस में एक साइड में एक इक्वेशन ऐसी बनानी है जो अपने आप में पूर्ण वर्ग हो, ए माइनस बी स्केयर या ए प्लस बी का होल स्केयर का फॉर्मूला बन जाए। देखिए इससे पहले अगर ये दिया जाए कि मूलों का अस्तित्व है तो ज्ञात कीजिए, यानी इसके रूट एग्जिस्ट करते हैं तो ज्ञात कीजिए। अब बात यह आती है रूट एग्जिस्ट कब करते हैं, कोई ऐसी कंडीशन भी होती है जिसमें हम रूट नहीं निकाल सकते इक्वेशन के, इक्वेशन के मूल समीकरण के मूल नहीं निकाल सकते। देखिए हमने ये निकाला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्केयर माइनस फोर ए सी। फर्स्ट बार करते हैं टू एक्स स्केयर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। अब इस इक्वेशन के लिए ए बी और सी क्या है, ए इक्वल टू टू, बी इक्वल टू माइनस सेवन एंड सी इक्वल टू थ्री। अब ये निकालते हैं डी लिखते हैं, इसको डिस्क्रिमिनेंट हिंदी में विविक्त कर बोला जाता है, विविक्त कर। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इसका, बी स्केयर माइनस फोर एसी, बी स्केयर बी की जगह माइनस सेवन, माइनस सेवन स्केयर माइनस फोर ए सी, ए की जगह टू सी की जगह थ्री, माइनस सेवन स्केयर फोर्टी नाइन, माइनस फोर टू जा एट, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, फोर्टी नाइन माइनस ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव, बी कितना आ गया ट्वेंटी फाइव। अगर बी स्केयर माइनस फोर एच सी ग्रेटर देन जीरो आ जाए जैसा कि यहां पर आया है तो इक्वेशन के रियल रूट होते हैं, इक्वेशन हैज रियल रूट। और ग्रेटर देन जीरो है तो अलग अलग रियल टू रियल रूट्स, यानी अलग अलग दो इसके रूट्स होते हैं, दोनों अलग अलग होंगे। अब देखिए अगर ये लेस देन जीरो आ जाए, माइनस ट्वेंटी फाइव आ जाता है यहां पर, लेस देन जीरो आ जाए तो इक्वेशन के कोई रियल रूट नहीं होते, यानी समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है और हमने आगे इसको प्रोसीड नहीं करना होता, यही छोड़ देना। लेकिन इस स्थिति में ये ग्रेटर देन जीरो है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से बड़ा है हमारे पास, तो हम इसके रियल रूट निकालेंगे। अब मेथड कौन सा लगाएंगे, पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या होता है, टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। सबसे पहला स्टेप इसमें हमें क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो एक होना चाहिए। यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, दो। तो एक बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को दो से भाग कर देंगे, दो से भाग करेंगे तो टू अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन अपॉन टू एक्स प्लस थ्री अपॉन टू इक्वल टू जीरो, यानी पूरी इक्वेशन के अपॉन उस नंबर से डिवाइड करना है जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। ये वन हो गया टू अपॉन टू वन, तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन अपॉन टू एक्स प्लस थ्री वाई टू इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे, जो एक्स का कोएफिशिएंट है, ये चीज जो एक्स के कोएफिशिएंट वाली आपने आंसर शीट के साइड में कर लेनी है, एक्स का कोएफिशिएंट सेवन बाई टू, इसका हाफ करेंगे वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर उसका आधा करेंगे सेवन बाई फोर, क्लियर। एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ करना है और उस हाफ का स्केयर कर लेना है, तो एक्स स्केयर माइनस सेवन बाई टू एक्स, एक्स वाले तो एक साइड रखो कॉन्स्टेंट दूसरी साइड ले जाओ माइनस थ्री बाई टू।
अब क्या करना है, जो x के कोफिशियंट के हाफ का स्केयर है वो दोनों साइड ऐड कर देना है, 7/4² प्लस 7/4². अब देखिए जो एलएचएस की टर्म हमारे पास पूरी एक्स स्केयर माइनस 7/2x प्लस 7/4², इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहां देखिए वेरिएबल x है तो x लिखना है, इस टर्म का सिंबल जो x वाली टर्म है उसका निशान देखना, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, सेम निशान लगाना है, माइनस का माइनस, 7/2 का हाफ यानी यहां स्केयर किसका है 7/4, तो x माइनस 7/4 का स्केयर इसको लिख लेना है, एक्सपेंड करके देख सकते हो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, 7/4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे करो 7/2 आ जाए, तो एलएचएस वाली टर्म एक परफेक्ट स्केयर बन गई, x माइनस 7/4 का स्केयर है, आरएचएस में माइनस 3/2, इसको सिंपल करेंगे 7/4 का स्केयर 49/16, एलसीएम 6/2 का 16, 16 को 2 से डिवाइड करो 8, 8 3 = 24, 16 को 16 से डिवाइड करो 1 1 × 49 49, ये एज इट इज x माइनस 7/4 का स्केयर, देखिए 49 − 24 25/16। अब एक स्टेप यहां बदलना है, जो हमारे पास आरएचएस है 25/16 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25/16 को 5/4 का स्केयर लिख सकते हैं, यानी आरएचएस में जो टर्म बच गई उसको स्केयर में चेंज कर देना है, 5 5 = 25 4 4 = 16, तो 5/4 का स्केयर हो गया, दोनों साइड स्केयर है, स्केयर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स माइनस 7/4 इक्वल टू, जब किसी चीज का स्केयर या स्केयर रूट हटाते हैं तो प्लस माइनस दोनों होती है, तो प्लस माइनस 5/4 आ जाएगा, इस प्लस माइनस का मतलब एक बार कैलकुलेशन में एक्स को 5/4 रखेंगे, दूसरी बार कैलकुलेशन में एक्स को माइनस 5/4 रखेंगे, एक्स 7/4 को आरएचएस में लेके जो एड हो जाएगा, 5/4 हमने प्लस कर लिया, 4 डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर ऐड हो जाएंगे, 5 + 7 = 4, एक्स कितना आ गया 3, अब दूसरी बार 5/4 को माइनस का रखेंगे तो एक्स इक्वल टू 7/4, 5/4 माइनस हो जाएगा, 7 − 5 = 2/4 1/2, तो एक्स की दो वैल्यूज क्या आ गई हमारे पास, एक 3 और एक 1/2, दिस मेथड इज नोन एज कंप्लीटिंग स्केयर मेथड, इस विधि को पूर्ण वर्ग विधि कहा जाता है, एलएचएस में हमने एक नंबर का परफेक्ट स्केयर बना लिया। देखिए सबसे पहला स्टेप, जो एक्स स्केयर का कोफिशियंट है वो 1 होना चाहिए, हम 2 से डिवाइड कर दिया, उसके बाद एक्स के कोफिशियंट का हाफ करें, उसका स्केयर करें, दोनों साइड ऐड कर दें, तो जो एलएचएस वाले टर्म है वो अपने आप एक्स, यहां प्लस है तो प्लस का, माइनस है तो माइनस का, जो जिस नंबर का स्केयर है उस नंबर को लिखना है और परफेक्ट स्केयर बना देना है। दूसरी साइड को हमें सिंपल कैलकुलेट करना है, जो आंसर एक नंबर में आ जाए लास्ट में उसका स्केयर बनाना है, दोनों साइड स्केयर लगाएंगे, प्लस माइनस का सिंबल लगाएंगे और सिंपल करेंगे, इस तरह से रूट निकालेंगे कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से। देखिए सेकंड पार्ट, 2x² + x − 4 = 0, 2x² + x − 4 = 0, ए बी सी क्या है उसमें, ए की जगह 2 है, बी की जगह 1 है, सी की जगह -4 है, ए 2 बी इक्वल टू 1 एंड सी इक्वल टू -4, ए बी सी लिख लिया, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे विविध का, बी स्केयर माइनस 4ac, बी का स्केयर 1 1 स्केयर माइनस 4, ए की जगह 2, सी की जगह -4,
बीस के माइनस फोर एसी कितना आ गया वन माइनस माइनस प्लस फोर टू या एट एट फोर या थर्टी टू वन प्लस थर्टी टू थर्टी थ्री आ गया थर्टी थ्री जीरो से ग्रेटर है ये देयरफॉर इक्वेशन हैज टू रियल रूट्स टू डिफरेंट रियल रूट लिख सकते हैं अलग अलग होंगे दोनों इक्वेशन है टू रियल रूट्स ये तो हमने चेक करना इक्वेशन के रूट है या नहीं है अब रूट मिल गए तो इसको सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से देखिए वही मेथड पूरा पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखिए टू है तो पूरी इक्वेशन को टू से डिवाइड करेंगे टू से डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन टू माइनस फोर अपॉन टू इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय टू एक्स बाय टू एक्स का ऑप्शन क्या है वन बाय टू का हाफ करेंगे वन बाय फोर और वन बाय फोर का स्क्वायर ऐड करेंगे वन बाय फोर का स्क्वायर ऐड कर दिया और दूसरी साइड भी वन बाय फोर का स्क्वायर ऐड कर दिया ये फोर अपॉन टू माइनस टू हो गया इसको आंसर में लेके आओ प्लस टू हो जाएगा अब पीछे वाला स्टेप एक्स ये सिंबल प्लस इसका हाफ क्या था वन बाय फोर का स्क्वायर ये टर्म होल स्क्वायर बन गई इसको सिंपल करो वन का स्क्वायर वन फोर का स्क्वायर सिक्सटीन टू का टू डिनोमिनेटर वन एक्स प्लस वन बाय फोर स्क्वायर इक्वल टू सिक्सटीन और वन का एलसीएम सिक्सटीन सिक्सटीन को सिक्सटीन से डिवाइड करो वन वन इंटू वन वन सिक्सटीन को वन से डिवाइड करो सिक्सटीन इंटू टू थर्टी टू थर्टी टू और वन थर्टी थ्री अपॉन सिक्सटीन ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बनने के बाद टर्म आ गई एक्स प्लस वन बाई फोर स्क्वायर इक्वल टू थर्टी थ्री अपॉन सिक्सटीन अब देखिए हमने क्या करना है आर एच एस को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है थर्टी थ्री किसका स्क्वायर है जो नंबर हमें परफेक्ट स्क्वायर ना लगे उसको रूट में लिख लेना सिक्सटीन फोर का स्क्वायर है और रूट थर्टी थ्री का स्क्वायर थर्टी थ्री हो गया फोर का स्क्वायर सिक्सटीन हो गया और एक्स प्लस वन बाई फोर का स्क्वायर अब दोनों साइड स्क्वायर है कैंसिल आउट ये टर्म प्लस माइनस तो एक्स प्लस वन बाई फोर इक्वल टू रूट थर्टी थ्री अपॉन फोर आ गया एक बार और दूसरी बार क्या होगा एक्स प्लस वन बाई फोर इक्वल टू माइनस रूट थर्टी थ्री अपॉन फोर आ जाएगा अब वन बाय फोर को आर एच एस में लेके आओ रूट थर्टी थ्री अपॉन फोर माइनस वन बाय फोर हो गया यहां माइनस रूट थर्टी थ्री अपॉन फोर माइनस वन बाय फोर हो गया फोर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले रूट थर्टी थ्री माइनस वन लिख लें अपॉन फोर दूसरा दोनों में माइनस है कॉमन निकाल लेंगे रूट थर्टी थ्री प्लस वन अपॉन फोर तो एक्स की दो वैल्यूज रूट थर्टी थ्री माइनस वन अपॉन फोर और माइनस रूट थर्टी थ्री प्लस वन अपॉन फोर ये दो वैल्यूज एक्स के हमारे पास आ जाएगी कर लोगे बड़ी इजी सी है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड देखिए तीसरा पार्ट फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर रूट थ्री एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो एबीसी देखिए सबसे पहले फोर एक्स स्क्वायर ए कितना फोर प्लस फोर रूट थ्री एक्स बी कितना फोर रूट थ्री प्लस थ्री सी थ्री फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर रूट थ्री एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो ए इक्वल टू फोर बी इक्वल टू फोर रूट थ्री एंड सी इक्वल टू थ्री बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बी की जगह फोर रूट थ्री का स्क्वायर माइनस फोर ए की जगह फोर है सी की जगह थ्री है माइनस फोर ए सी फोर रूट थ्री स्क्वायर इसका स्क्वायर करो फोर का स्क्वायर सिक्सटीन और रूट थ्री का स्क्वायर थ्री माइनस फोर फोर का सिक्सटीन इंटू थ्री देखिए दोनों नंबर सेम है फोर्टी एट माइनस फोर्टी एट जीरो आ गया
अगर बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी जीरो से ग्रेटर आ जाए तो हमने क्या पढ़ा था कि दो डिफरेंट रूट होते हैं, दो अलग अलग मूल होते हैं। अगर जीरो से छोटा आ जाए तो कोई मूल नहीं होते, और अगर जीरो ही आ जाए तो दो रूट होते हैं। इक्वेशन है, दिस इक्वेशन हैज टू डिफरेंट रूट्स, टू डिफरेंट रियल रूट्स, इसके दो रूट तो होंगे अगर जीरो के बराबर आ जाए। अगर जीरो के बराबर आ जाए तो इक्वेशन के दोनों रूट बराबर होते हैं। दिस इक्वेशन हैज टू सेम या टू इक्वल रूट्स, दो रूट्स होते हैं दोनों बराबर होते हैं। देखिए कैसे करेंगे, मेथड हमने बोल दिया मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से हमने चेक कर दिया कि जो रूट आएंगे वो दोनों बराबर होंगे। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखिए फोर है, फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर रूट थ्री एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट फोर है, फोर से डिवाइड करो एक्स स्क्वायर, यहां फोर से डिवाइड करोगे फोर से फोर कैंसिल आउट रूट थ्री एक्स प्लस थ्री अपॉन फोर इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस रूट थ्री एक्स, एक्स के कोफिशियंट का हाफ करो, रूट थ्री का हाफ करेंगे रूट थ्री अपॉन टू आ जाएगा, और रूट थ्री अपॉन टू का स्केयर कर देंगे, रूट थ्री अपॉन टू का स्केयर एलएचएस में ऐड कर दिया और आरएचएस में भी ऐड कर दिया, और कांस्टेंट टर्म को आरएचएस में ले आए। अब देखिए एक्स प्लस का है तो प्लस, इसका हाफ क्या था रूट थ्री बाई टू का स्केयर बन गई, ये टर्म सारी एलएचएस क्या बन गई एक्स प्लस रूट थ्री बाई टू का होल स्केयर। इसको सिंपल कीजिए, रूट थ्री का स्केयर थ्री, टू का स्केयर फोर माइनस थ्री अपॉन फोर एक्स प्लस रूट थ्री बाई टू का स्केयर इक्वल टू ये जीरो। अब देखिए एक्स प्लस रूट थ्री बाई टू का स्केयर इक्वल टू जीरो है, अगर जीरो का स्केयर लिखे तो भी जीरो रहेगा, दोनों के रूट कैंसिल आउट तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया माइनस रूट थ्री बाई टू माइनस रूट थ्री बाई टू, एक ही टर्म है तो दो बार आएगी, तो ये एक्स का सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से हमने इसको करना, देखिए फोर्थ पार्ट इसका टू एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। ए बी और सी फाइंड आउट कीजिए, ए की जगह टू है, बी की जगह वन है, सी की जगह फोर है। टू एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू टू, बी इक्वल टू वन एंड सी इक्वल टू फोर। बी स्केयर माइनस फोर ए सी फाइंड आउट करेंगे, बी स्केयर बी की जगह वन है, वन का स्केयर माइनस फोर, ए की जगह टू, सी की जगह फोर। वन माइनस फोर टू जा एट, फोर जा थर्टी टू, वन माइनस थर्टी टू माइनस थर्टी वन आ गया। देखिए माइनस थर्टी वन जीरो से छोटा है या बड़ा है, छोटा है। मैंने क्या बताया कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से छोटा आ जाए, लेस देन जीरो आ जाए, तो इक्वेशन के रियल रूट नहीं होते। दिस इक्वेशन डज नॉट हैव एनी रियल रूट, इस समीकरण का एक कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। द इक्वेशन है नो रियल रूट, इस समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। थैंक यू।